बाढ़ आपदा से बचाव को लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल का आयोजन कर व्यापक तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने विभिन्न तरीकों और साधनों का उपयोग कर लोगों को बचाने का तरीका दिखाया। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में बुधवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा दुर्ग के शिवनाथ नदी में बाढ़ आपदा से बचाव की आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मौके पर जिला स्तर पर उपलब्ध समस्त बाढ़ बचाव सामग्रियों का मॉक ड्रिल किया गया। पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, उसके लिए अपन पेशेंट के पास जाके अपने कान को लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं। पेशेंट अगर हवा अपने कान में नहीं पड़ रही है और उसका हवा का एहसास नहीं हो रहा है, मतलब पेशेंट सांस नहीं ले रहा है। अब तुरंत अपने को सीपीआर चालू करना है। सीपीआर चालू करने के लिए उसमें दो मेथड होता है, एक चेस्ट कंप्रेशन, दूसरा माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। ठीक है, तो इसका एक मिनट में 100 से 120 बार अपन चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। इस दौरान मॉक ड्रिल में अतिवृष्टि के दौरान शिवनाथ नदी में ग्रामीण जन लकड़ी या छोटे छोटे बोट के माध्यम से नदी पार करते समय बोट पलटी हो जाने एवं गांव में पानी भर जाने की स्थिति में किस प्रकार से जिले में उपलब्ध मोटर बोट, स्क्यूबा डाइविंग, अंडर वाटर कैमरा, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, आस्का लाइट, पॉलिकन लाइट, सर्च लाइट, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग कर बाढ़ बचाव कार्य का लाइव डेमो यानी मॉक ड्रिल किया गया। चल हाँ, ऐसे पकड़ के ले। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम ने कई महत्वपूर्ण बचाव अभियानों का अभ्यास किया। इनमें नदी में डूबने वाले व्यक्तियों का बचाव, तेज बहाव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे लोगों को निकालना शामिल था। इसके अलावा सर्पदंश की स्थिति में किस प्रकार सावधानी रखनी है तथा क्या उपाय करना है, इसकी भी जानकारियां दी गई। इस दौरान देशी जुगाड़ के माध्यम से पानी में डूबने से बचाने का तरीका भी बताया गया। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त मोबाइल था। इसका कारण यह है कि हर साल यहाँ पे दुर्ग में शिवनाथ नदी और अन्य सहायक नदियों से बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। इसमें हमारी कितनी तैयारी है और हमारी जो बाढ़ अभी विगत कुछ दिनों पहले आई थी उसमें क्या कमियाँ रह गई हैं और हमारे हम कितने तैयार हैं, हमारे जवान कितने तैयार हैं, हमारे इक्विपमेंट कितने रेडी हैं और हमारे जो विभिन्न विभाग हैं उनमें कितना कोऑर्डिनेशन है और कैसे हम मिलकर कोई अगर आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो कैसे काम करेंगे, इसके लिए एक मॉक ड्रिल का यहाँ पे आयोजन किया गया था जिसमें कुछ जीवंत मॉक ड्रिल किया गया। जैसे कि गांव में अगर कोई पत्थर व्यक्ति तो कैसे निकालता है, कोई डूब रहा है व्यक्ति या कोई कूद गया है या नदी के अंदर अगर कोई भीतर डूबा हुआ है। इसके अलावा इम्प्रोवाइज जो मेथड होते हैं, मतलब जुगाड़, देसी जुगाड़ विधि, अगर आपके पास इक्विपमेंट अगर पर्याप्त नहीं है तो आप उनका उपयोग करके कैसे खुद की और दूसरे की जान बचा सकते हैं, उनका एक जीवन प्रसन्न किया गया और लोगों को अवेयर किया गया कि अगर कभी अगर आपदा किसी निर्मित होती है तो आप जो है इस तरह का साधनों का प्रयोग करके अपनी जान और खुद की जान बचा सकते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।